गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की वीडियो जो मेरी है ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की 6th वीडियो है। इसमें मैं आपका कवर अप कराने वाला हूँ बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में। ऑप्टिकल फाइबर्स में भी इसकी एप्लीकेशन यूज होती है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड राइट कंडीशन फॉर टी आई आर। और इसके बाद हम लोग एक क्रिटिकल एंगल का रिलेशन भी निकालेंगे इस डेरिवेशन के फॉर्म में यहाँ पे। तो सबसे पहले तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, ध्यान से सुनना, मैं पहले बोलता हूँ फिर डेफिनेशन लिखाऊंगा। जब भी लाइट आपका डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करेगी, तब लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस से मीडियम में आ जाती है, और इस फिनोमेना को बोला जाता है TIR। मैं पहले एक डायग्राम की मदद से आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझना ध्यान से। देखिए चार केसेस में मैं आपको कराऊंगा ये मैंने क्या किया हुआ है, ये फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस एंड द लास्ट वन फोर्थ केस। मैं इन चार केसेस में आपको करा दूंगा कि TIR होता क्या है। ध्यान से देखना, अगर मैं सबसे पहले बात करूं, ये हमने डेंसर मीडियम लिया हुआ है, ये हमारा है डेंसर मीडियम और ये है बेटा रेयरर मीडियम। तो पहली कंडीशन तो यही है लाइट की कि लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तभी TIR फिनोमेना आपको देखने के लिए मिलेगा, अदरवाइज आपको TIR फिनोमेना देखने के लिए नहीं मिलेगा। यह आपने एक नॉर्मल बना लिया इसका, ये नॉर्मल बेटा लाइट यहां से आई, मान के चलो ये लाइट यहां से आपकी आई, ये लाइट आपकी आई, डेंसर से रेयर में जा रही है, क्या करेगी बेटा, बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो ये ऐसे ना जाके थोड़ा सा इस तरीके से बेंड हो जाएगी। ये आपका एंगल आई था और सेम वे में ये आपका एंगल आर था। ये मैंने एक पहला केस बना दिया बड़ा आसान सा रिफ्रेक्शन का, जो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से आता है। अभी मैं जैसे जैसे एंगल आई के अंदर वेरिएशंस करूंगा, एंगल आर ऑटोमेटिकली वेरिएट होने लगेगा। तो देखिए सेकंड केस में मैं क्या करता हूं, वही नॉर्मल बना लिया बेटा मैंने, एंगल आई की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाता हूं, एंगल आई की वैल्यू थोड़ी सी मैंने बढ़ा दी बेटा। अगर एंगल आई की वैल्यू थोड़ी सी पहले से बढ़ा ली, फॉर एग्जांपल पहले थी 30 डिग्री, अभी मैंने 35 डिग्री कर ली, तो जैसे मैं बढ़ाऊंगा ऑटोमेटिकली आर की वैल्यू में बदलाव आएगा और आर हल्की सी और बेंड होने लगेगी डाउन की साइड में, एंगल आर आपका और बदल गया। आप इसको ऐसे समझना, ये लाइट इतनी डेविएट हो गई इस तरीके से, ये एंगल आर। बेटा आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि पहले केस में ये जो सरफेस है सरफेस से काफी दूर थी, सेकेंड केस में सरफेस के थोड़ा और क्लोज आने लगी, आते आते एक कंडीशन ऐसी भी तो आएगी कि ये बिल्कुल सरफेस पे होके जाने लगेगी। तो मैं तीसरा केस वही दिखाने वाला हूँ, यानी तीसरे केस में मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल आई की वैल्यू थोड़ा सा और बदलाव कर रहा हूँ, एंगल आई की वैल्यू मैंने थोड़ा सा और चेंज कर ली। फॉर एग्जाम्पल पहले 35 डिग्री थी, तो मैंने अभी हो सकता 40 डिग्री इसकी वैल्यू ले ली होगी। अब ये लाइट रे बेटा बिल्कुल एज इट इज यहीं होके जाने लगेगी, बिल्कुल इस सरफेस पे होके, और जब लाइट रे इस सरफेस पे होके जाने लगेगी तो इस वक्त एंगल आर की वैल्यू हो चुकी है 90 डिग्री, और इसको बोला जाता है ग्रेजिंग इमरजेंस, ग्रेजिंग इमरजेंस। यानी एंगल आई की एक ऐसी वैल्यू जब एंगल आर आपका 90 डिग्री हो जाए, ध्यान से सुनना, एंगल आई की एक ऐसी वैल्यू जब एंगल आर आपका 90 डिग्री हो जाए, इस केस को बोला जाता है ग्रेजिंग इमरजेंस। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ये मैंडेटरी कंडीशन है। अब बेटा इस वक्त जो एंगल आई है इसको बोल दिया जाता है क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। ध्यान से सुनना, जब एंगल आर की वैल्यू डेंसर मीडियम के अंदर 90 डिग्री हो चुकी है, जब एंगल आर की वैल्यू डेंसर मीडियम के अंदर 90 डिग्री हो चुकी है, उस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। अब अगर एंगल आई की वैल्यू क्रिटिकल, फॉर एग्जांपल अगर यहां पर ये वैल्यू 42 डिग्री थी, यानी क्रिटिकल एंगल कितना कहलाएगा, अब आपका 42 डिग्री, आप जैसे ही 42 से आगे एक्सटेंड करोगे, दैट मीन्स 43 की तरफ जाओगे, पूरी की पूरी लाइट वापस इसी मीडियम में आने लगेगी, और इसी फिनोमेना को कहा जाता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब देखिए अगर इस केस में मैं एंगल आई की वैल्यू ज्यादा करता हूं क्रिटिकल एंगल से, अगर आई की वैल्यू ज्यादा करता हूं मैं किससे बेटा, क्रिटिकल एंगल से। फॉर एग्जांपल मैंने बताया ना, अगर यहां पर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 42 डिग्री है और अगर मैं यहां पर 43 डिग्री ले लेता हूं, दैट मींस इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो अब आपका कौन सा फिनोमेना देखने लगेगा, TIR फिनोमेना। यानी यहां पर मैंने लाइट को एंटर कराया और इस वक्त एंगल आई की वैल्यू ज्यादा है किससे, क्रिटिकल एंगल से।
पूरी की पूरी लाइट रे वापस इसी मीडियम में आने लगेगी और इसी फिनोमेना को बोला जाता है TIR फिनोमेना, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना। क्या मेरी बात समझ आई? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देखिए आप एक बार आराम से चारों डायग्राम्स को देख लीजिए, चारों डायग्राम से बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है आपको। TIR मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। TIR एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करना, पहली कंडीशन। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए क्रिटिकल एंगल से, दूसरी कंडीशन। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो पा रही हैं तो जो फिनोमेना आपको मिलेगा दैट विल बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इज दैट क्लियर? चलिए इसकी थोड़ा सा थ्योरी पे आते हैं। कंडीशंस फॉर TIR, कंडीशंस फॉर TIR, TIR फिनोमेना की कंडीशंस क्या क्या होती हैं? तो देखिए TIR फिनोमेना की अगर मैं कंडीशंस की बात करूं तो इसकी पहली कंडीशंस, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, पहली कंडीशन बेटा TIR की। दूसरी कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, अच्छा इसके अंदर एक खासियत और होती है बेटा, TIR एक ऐसा स्पेशल फिनोमेना है जिसमें 100% इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम। यानी रिफ्लेक्शन के अंदर भी बेटा 100% लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, लेकिन TIR एक ऐसा फिनोमेना है इसके अंदर 100% इंटेंसिटी लाइट रिफ्लेक्ट होने लगती है। इसी वजह से इसको ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर यूज किया जाता है टू ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये पॉइंट भी बेटा जरूरी है इसका। इन TIR 100% इंटेंसिटी ऑफ लाइट, 100% इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम ये इसकी खासियत है। TIR के अंदर 100% इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होने लगती है सेम मीडियम के अंदर। आई थिंक आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा TIR क्या होता है। अब इसके अंदर हम क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन बात करते हैं कि क्रिटिकल एंगल क्या होता था। क्रिटिकल एंगल क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन समझना, इट इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ रेयरर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन अ डेंसर मीडियम इज नाइन्टी डिग्री। ध्यान से सुनना बेटा, अभी देखो क्रिटिकल एंगल कौन सा था, जब एंगल आर 90 डिग्री हो रहा था डेंसर मीडियम के अंदर उसी एंगल को तो आपने क्रिटिकल एंगल बोला था। देखो जब आपका ये वाला केस देखिए, जब आपका एंगल आर 90 डिग्री होने लगा उसी वक्त तो तभी तो आपने एंगल आई को क्रिटिकल एंगल बोला, तो वही मैंने डेफिनेशन लिखी है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक ऐसी वैल्यू होती है जब एंगल आर 90 डिग्री हो जाएगा आपका डेंसर मीडियम में, और ये सरफेस टू सरफेस और मीडियम टू मीडियम अलग होती है। ध्यान से सुनना, तो यही हमारा क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग क्रिटिकल एंगल का कैलकुलेशन करने वाले हैं कि क्रिटिकल एंगल का क्या रिलेशन आता है म्यू के टर्म्स में। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा। तो देखिए
तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल के कैलकुलेशन के लिए आपको वही तीसरा वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। कौन सा डायग्राम था? यानी ये आपने रेयरर मीडियम लिया था, ये आपने डेंसर मीडियम लिया था। अच्छा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप म्यू टू कह लो और इसका म्यू वन कह लो। लाइट यहां से गई थी बेटा ये, और लाइट बिल्कुल ऐसे निकलने लग गई थी, यानी जब एंगल आई की कुछ एक ऐसी वैल्यू, ये एंगल आर 90 हो चुका था, ये एंगल आई, और इस वक्त एंगल आई किसके बराबर था? सी के बराबर था। इस वक्त एंगल आई किसके बराबर था? सी के बराबर था। अब यहाँ पे हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे, और स्नेल्स लॉ लगाने की मैंने एक ट्रिक बता चुकी है, अगर अभी तक आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो आप प्लीज़ जाके एक बार वीडियो देख लीजिए स्नेल्स लॉ लगाने की ट्रिक। स्नेल्स लॉ लगाने का कॉन्सेप्ट ये था, इनकमिंग रेज इक्वल्स टू, ये लिख लेना एक जगह, इनकमिंग रेज इक्वल्स टू आउटगोइंग रेज, आउटगोइंग रेज। रेज कहां से आ रही है बेटा? इस मीडियम से आ रही है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो म्यू टू, साइन के साथ इसका एंगल लगा दो साइन आई। रेज कहां जा रही है? इस मीडियम में जा रही है, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू टू साइन, और यहां का एंगल क्या है? एंगल आर। अब देखो आई की वैल्यू तो सी के बराबर है और आर की वैल्यू 90 के बराबर है, दोनों वैल्यूज यहां रिप्लेस करते हैं, तो यह आ जाएगा म्यू टू साइन सी इक्वल्स टू म्यू, यहां बेटा वन था ना, इसको ये वन करो म्यू वन, ये आ जाएगा म्यू वन और ये साइन 90। बेटा साइन 90 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? वन। वैल्यू डाल देते हैं तो ये म्यू टू साइन सी इक्वल्स टू म्यू वन आ गया, साइन 91 हो जाएगा। अब यहां से साइन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू वन अपॉन म्यू टू। साइन सी की वैल्यू आ गई बेटा म्यू वन अपॉन म्यू टू। अब देखो इस वाले केस में तो हमारा एयर है, एयर है हमारा, तो म्यू वन की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन। म्यू वन की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन। और वन और टू कब लगाते हैं? जब दो अलग अलग मीडियम हो, तो ऑटोमेटिकली म्यू टू को तो अब मैं सिर्फ म्यू ही मान सकता हूँ। तो फॉर्मूला कैसा दिखेगा? कुछ साइन सी इक्वल्स टू वन अपॉन म्यू, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करवा रहे होते हैं बुक्स में डायरेक्ट, है ना? आता कैसे, समझ आया? तो ये आपका क्रिटिकल एंगल का म्यू के साथ रिलेशन आ गया निकल के। यहां से आपको सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन इनवर्स वन अपॉन म्यू। बड़ा आसान सा डेरिवेशन है उसका, क्रिटिकल एंगल का। तो ये पूरा टॉपिक हुआ आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की अगर आपको डेफिनेशन कभी पूछी जाए तो आप यही बताओगे, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन ओनली दिस फिनोमेना अकर्स। और इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं जो मैंने आपको लिखाई थी, आप वो कंडीशंस और लिखोगे। ये लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये सारी कंडीशंस आपको लिख के दिखानी होंगी। तो ये TIR आप लोग पढ़ लीजिए। अगला टॉपिक इसका ऑप्टिकल फाइबर्स, वो हम लोग अपनी अगली वीडियो में कवरअप करेंगे। थैंक यू।